दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? ऐसा कुछ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और हम बैठे हैं गाड़ी में गांव के लिए। फिलहाल गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है और सुबह के बज रहे हैं 6 शायद, तो परेशानी नहीं होगी मुझे गाड़ी में, तो मैं चलती रहूँगी और व्यू दिखाती रहूँगी, घुमाती रहूँगी बलवाकोट पहुँचने तक, और वहीं मिलेंगे। मतलब मुझे तो नहीं, तो हम लोग पहुंच गए अल्मोड़ा और अभी रुके हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। और बाहर देखो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब मज़ा ही आ रहा है पहाड़ी घूमने में। वैसे मेरे को दिक्कत होती थी, यानी उल्टी उल्टी, आज फिलहाल ठीक हुआ अभी तक, क्योंकि हम सुबह निकल चुके थे। और ये दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, फिर नाश्ता वास्ता करके निकल। तो भूख भी लग रही है बड़ी तगड़ी वाली, चलो फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं आगे। तो बस वीडियो वगैरह बना पाऊंगी तो बनाऊंगी, अभी तो मतलब उल्टी उल्टी कुछ नहीं हो रही है ना, अच्छा लगा। मेरे लिए मंगाई है, तो हमने नाश्ता ऑर्डर कर लिया, नाश्ता वास्ता करते हैं, निकलते हैं घर की तरफ, गांव की शहर। जो दिखाया है बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब ये है ना कि मस्त वाली फीलिंग आ रही है पहाड़ों में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी आ रहे हैं हम, कम से कम 2.5 से 3 साल बाद जा रहे हैं ना। शेष नाग का जो है यहाँ पर शीश है, यहाँ पर कहाँ शेष नाग का शीश है, जिसका भोलो मंदिर है, जिसका पूछ जो है टेल ऊपर, वो गैरार देवी में है, कसार देवी में, इसका पूछ टेल आपको पता नहीं कहाँ तक होगा, पता उस जमाने में आज भी मान्यता है। उसके मुंह में यहाँ से सिक्के फेंकते हैं ना, कभी यहाँ से रोड से ऐसे करके सिक्के फेंक के मनोकामना जो मांगोगे, अगर उसके मुँह में फंस गया तो मनोकामना पूर्ण होगा। ये आ रहा है, देखो ऐसा है, देखो ये देखने का तो हम किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं बताएगा, मैं कह तो रहा हूँ ये वो मुंह में क्या, इसको फोटो लेने के लिए चाचा नहीं। ये जस्ट पीछे हमारा गांव है, और ये नंदर गांव है, इसी के पीछे गांव है हमारा, जस्ट ये पंचायतोली के जड़ में ही है हमारा मकान, ये चाचा और हम एक ही गांव के हैं। क्या पहाड़ी चूल्हा है, यह है पहाड़ी चूल्हा, और यहाँ पे बनती है तवा रोटी। और ये है भैया जो रोटी बना रहे आप, हाँ अगर ओगला में रुकोगे तो रुद्रा ढाबा के पास, हाँ ये भैया का ढाबा है, और यहाँ पे मिलेंगी चूल्हे की बनी हुई रोटियाँ मस्त। ये आंटी भी मिलेंगी यहाँ पे, आई कर लो तो जरूर आना, बोलो ठीक है, हम आएंगे अगली बार ठीक है। तो दोस्तों निकलते हैं घर की तरफ, आना हो गया, यहाँ से कम 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। बापू खराब हो गई आज, एक बार बोलती, चलो फिर ब्रिज देखा सर, पैदल ब्रिज है सामने में, बिल्कुल जस्ट सामने, वही दारचूला वाला ही है, ये जो जी ये इंडिया वाला ही है, उस तरफ नेपाल, उसी को क्रॉस करने के बाद उतर के आता है उधर का दारचूला। ये मैं ये सर ये है गौरी गंगा, ये भी काली में मिल रही है, ये मंचारी को देख, ये रोड मंचारी को देख, ये मंचारी को देख, दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और ये लगेज हमारे उतर चुके हैं, इनसे बैठ गया है, थक गया है बहुत, ऊपर से कौन आया देख। और यहाँ पे एक प्यारी सी चीज दिखाती हूँ आपको, एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट है जो बंद है अभी, तो फिलहाल मैं बैठी हूँ अपने सामान के साथ, चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। आज आपको लेते लेते गांव में पहुंचा ही दिया, थकान भी हो गई है, इससे आगे का मैं फिर बनाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा तो, फिलहाल तो घर को चलते हैं, इतनी चढ़ाई चढ़नी है, तो चलो बाय बाय। और आज का सफ़र तो इतना प्यारा रहा ना कि
मंदिरों के और धामों के दर्शन भी होते हुए यार घूम भी किया है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी फ्रेंड्स और मेरे प्रिंस को। चलो फिर यहाँ पे ये दोनों बचाने लग गए। हाय कर सोनिया, सोनिया हाय कर, हाय कर, ये तो शर्मा रहा है। हेलो बोल ना, अल्लाह रे की बेटी, और ये भी है सामने, ये दीदी लोगों के हैं। सारी घास चल रही है, बाकी सब लोग गए हैं खेत में और मैं हूँ घर पे। हेलो हेलो, ये हमारा प्यारा सा गांव सेली और वो ऊपर हमारा मंदिर है। पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा है, भोले बाबा का मतलब जगन्नाथ हमारे जो इष्ट देव है उनका मंदिर है सबसे टॉप पे, और वहाँ पे वो दीदी लोग पराल उठा रहे हैं। ये मैं आई हूँ अभी खेत में। टन टन, और ये है मेन हाईवे जो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से होते हुए जाते हैं हम हल्द्वानी। हम लोग आए हैं खेत में और ये पीछे है दीदी लोग पराल लुटा रहे हैं। पराल इन लोग कब्बा कसा रूपा देगी ना, कब्बा कसा मांगे। तो आज पहाड़ी लुक में सब पहाड़ में काम कर रहे हैं, यानी काम धान कटाई हो गई है और गज्जो कटाई चल रही है अभी, और फिलहाल धान वान कटाई करके पराल उठा रहे हैं। हेलो तो बोल दो रे, पहचाना मुना आज पछड़ी ने ना हो वही तो। आज हल्द्वानी से हम बलवाकोट पहुँच चुके हैं, धारचूला, ये है सेली और सामने है नेपाल। तो चलो फिर काम वाम भी करते हैं, मैं तो खेत में घूमने आई थी। चलते हैं घर को, घर पे मिलूंगी, ठीक है।